फ्रेंड्स, आज कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए, तो इन्हें हम बारी बारी से देख लेते हैं। पहली अपडेट है, सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को एनपीएस में कटौती की जानकारी अब ऐप पर मिलेगी। तो एनपीएस के रूप में सरकार ने पेंशन की व्यवस्था एक की हुई है और उसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये अपडेट है कि अब एम्प्लॉई को कम्प्लीट डिटेल उसके ऐप पर भी मिल पाएगी। ऐप मतलब मोबाइल में ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो मोबाइल पर ही वो सारी जानकारी देख सकते हैं। राज्य के सभी कर्मचारी और अधिकारी अब चैट ऐप के जरिए नेशनल पेंशन स्कीम में अपने खाते की जानकारी हासिल कर सकेंगे। उनका कितना पैसा कटा, पैसा कितना बढ़ा, यह जानकारी उन्हें अपने मोबाइल पर मिल जाएगी। पिछले दिनों पचमढ़ी के चिंतन शिविर में आए सुझावों के आधार पर सरकार अपने वित्तीय पोर्टल में कई बदलाव करने जा रही है। इस ऐप पर सरकारी वेतन भोगियों के साथ पेंशनर्स का भी एक्सेस होगा। एक्सेस मतलब देख सकेंगे। विभाग के अनुसार अभी इस पोर्टल में कई तरह की समस्याएं हैं, यह बहुत धीमा चलता है। तो इस ये जो सारी प्रक्रिया चल रही है उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि जो ओल्ड पेंशन लागू करने की जो बात चल रही हैं या मांग उठाई जा रही हैं, तो सरकार अभी ओल्ड पेंशन के बारे में किसी भी तरह का विचार नहीं कर रही है। नेक्स्ट अपडेट है, नेट पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन 20 मई तक। तो जैसे मध्य प्रदेश में होता है एमपीटेट और ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है नेट, तो ये पात्रता परीक्षा इसके लिए लोग अप्लाई कर सकेंगे। 20 मई तक लास्ट डेट है उसकी। और उच्च शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, स्पोर्ट्स ऑफिसर आदि के रूप में कैरियर बनाने और अनुसंधान हेतु जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त करने के लिए जरूरी यूजीसी की नेट एग्ज़ाम के लिए 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। अभी परीक्षा की तारीख घोषित नहीं की गई है। अब ये बड़ी खबर है कि प्रदेश को इस सत्र में मिलेंगे सर्व सुविधायुक्त नए सीएम राइज स्कूल। तो हमारे मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है सीएम राइज स्कूल, तो उम्मीद है इस सत्र से बच्चों को सर्व सुविधायुक्त स्कूल्स मिलेंगे। तो इस खबर को हम डिटेल में देखते हैं। प्रदेश को सत्र 22-23 में सीएम राइज योजना के तहत 275 सर्व सुविधायुक्त सरकारी स्कूल मिलेंगे। इन स्कूलों में डिजिटल बोर्ड, तो मतलब कई सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनसे कंपेयर कर सकेंगे स्कूल्स को, और उनसे बेहतर व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की गई है। इसमें स्कूलों में खेल मैदान, बस सुविधा, म्यूजिक क्लासरूम, तरह तरह की फैसिलिटीज़ होंगी। इसे पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक के बच्चों की छोटी छोटी बात को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो ये भोपाल का स्कूल है, जहांगीराबाद में रशीदिया स्कूल, इसे मॉडल के रूप में विकसित कर रहे हैं। इस स्कूल को बच्चों की उम्र के मुताबिक थीम आधारित तैयार किया गया है। प्रदेश में स्कूली शिक्षा के लिए वर्ष 22-23 के लिए 27,792 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। और वहीं सीएम राइज योजना के तहत प्रथम चरण में 360 स्कूल प्रारंभ किए जाएंगे। अब शिक्षकों की पद स्थापना परीक्षा के आधार पर होगी। तो इस स्कूल में शिक्षकों की जो पोस्टिंग है उसके लिए एक परीक्षा ली जाएगी और ली गई है, और उसी के आधार पर पद स्थापना की जा रही है। वर्तमान में 15,000 शिक्षकों का चयन किया गया है। वहीं प्राचार्यों की पद स्थापना भी साक्षात्कार के माध्यम से की जा रही है। 82 प्राचार्य और 395 उप प्राचार्य का चयन किया गया है। अब इसमें स्टेटमेंट है, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग रश्मि अरुण शमी जी का, सीएम राइज स्कूल शैक्षणिक गुणवत्ता की दिशा में मध्य प्रदेश का अभिनव प्रयास है। यह स्कूल सर्व संसाधन युक्त एवं शैक्षणिक गुणवत्ता से परिपूर्ण होंगे। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए विभाग निरंतर प्रयासरत है। तो शिक्षा विभाग पूरी तरह से इसमें जी जान से जुटा हुआ है। तो ये तीन अपडेट्स थी आपके लिए।